नामदेव छिपा दर्जी समाज की महापंचायत में जुटे 50,000 समाज बंधु नामदेव सिलाई छपाई कला बोर्ड के गठन की उठी मांग। महिलाएं भी पहली पंक्ति में आई नजर। मानसरोवर वीटी ग्राउंड में अखिल भारतीय नामदेव छिपा दर्जी समाज की महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में प्रदेश भर से 50,000 समाज बंधुओं ने शिरकत करने के लिए पहुंचे। मोहित टेलर ने कहा कि राज्यों की सरकारों से समाज की तरक्की के लिए नामदेव सिलाई छपाई कला बोर्ड बनाए जाने की मांग की जा रही है, जिससे समाज की तरक्की हो सके, साथ ही लोकसभा और विधानसभा में भी चुनाव में प्रतिनिधित्व चाहिए। नामदेव क्षत्रिय छिपा दर्जी महासभा का महाकुंभ महापंचायत का आयोजन हुआ है और यहां पर देश विदेश अजमेर कोटा दिल्ली बॉम्बे से लोग पधारे हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पधारे हैं और समाज बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोग इतनी संख्या में पधारे हैं यहाँ पर और सब तरह के मतलब बच्चे महिला पुरुष लोग यहाँ पहुँच के और नामदेव समाज को इतना आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए हैं। नामदेव समाज की कुछ राज्य सरकार से मांगे हैं, शिक्षा के लिए उनको जमीन चाहिए, राज्य सरकार में कोई संवैधानिक पद चाहिए और प्लस हमारे समाज में आर्टिजन कार्ड बनता है तो हमारा नामदेव छिपा दर्जी समाज जो एक मूल रूप से बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़े के अंदर छिपाई सिलाई बुनाई सब नामदेव छिपा दर्जी समाज से आती है, जो हमारा समाज में किसी भी कोई भी पद पर कार्यरत नहीं है। हमारा समाज यही राज्य सरकार से मांग करता है कि हमारे सरकार में कोई ना कोई पद मिले और हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे समाज का उद्धार हो, हमारे समाज में उद्धार का गठन हो। हम यही चाहते हैं नामदेव समाज आगे बढ़े और आज इस महाकुंभ में मैं महिला शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। महिला शक्ति का जो यहाँ प्रदर्शन हुआ है और महिला ने इतना अच्छे संख्या में लोग पधारे हैं यहाँ पर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 2023 को वीटी रोड मानसरोवर का छिपा टांग दर्जी नामदेव समाज का बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है। संख्या बल हमारी सोच से भी ज़्यादा हुआ है। कम से कम 50,000 समाज बंधु और मात्र शक्ति यहाँ पधारे, कम से कम 50,000। हमें आशा नहीं थी क्योंकि हम पूरे भारत में 12 करोड़ हैं। हम सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकारों को हम बताएंगे हमारी मांगे, कार्यक्रम हमारी मांगों के लिए क्या गया है। लोकसभा के अंदर हमें 25 सीटें चाहिए और विधानसभा में हमारे समाज को 5-5 सीटें। इस कार्यक्रम के अंदर हमारी सरकार से आरक्षण के अंदर मांग है कि हम मुख्य आरक्षण में मुख्य जाति हमारी, हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है हमारे आरक्षण को अन्य जातियों, जबकि इसके हकदार हम हैं। ये सरकार तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हमारे समाज को हर जिले में जगह की हम मांग कर रहे हैं कि हर जिले के अंदर हर जिले में हमें जगह चाहिए। विशेषकर जयपुर में हम 50 बीघा जमीन मांग रहे हैं जो हमें रियायती दर पे दी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा आज का कि हमारा छपाई रंगाई सिलाई बोर्ड सभी समाजों के बन चुके हैं लेकिन हमारे समाज को अभी पीछे कर रखा है और हमारा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। हम सभी राज्यों की सरकार से मांग करेंगे कि हर राज्य में हमारा रंगाई छपाई सिलाई बोर्ड बनाया जाए। सरकारों को बनाना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास पर हमें बुला करके आश्वासन भी दिया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वो इसकी जल्दी घोषणा करेंगे। ठीक है, आपका नाम बता दें। अशोक गोठरवाल, प्रांतीय अध्यक्ष, राजस्थान। Thank you.